गुड आफ्टरनून बच्चों बैठो। तो हम लोगों ने आखिरी जो पढ़ा था पाठ, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? नहीं, पूरे पाठ का नाम लीजिए। बाल लीला एवं भक्ति पर। तो हमने बाल लीला की, भगवान कृष्ण की सभी बाल लीलाएं देख ली, समझ में आई अच्छे से? ठीक है। हमने भक्ति पद पढ़ा था सूरदास जी के द्वारा रचित, ठीक है। लेकिन आज कृष्ण भगवान के एक और भक्त रसखान, ठीक है, जिनका नाम सुना है पहले कभी? उनका नाम सुना है पहले? रसखान, ठीक है। तो रसखान जी के कुछ लिखे हुए भक्ति पदों को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम रसखान जी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जानना चाहोगे? ठीक है। तो रसखान जी जो थे वो बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे। वो पहले भक्त नहीं थे, ठीक है, पहले वो एक सिंपल लेखक के रूप में थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने, सबसे पहले तो उनका नाम क्या था पता है आपको? पूरा नाम नहीं पता, किसी को पता है? उनका लेखनी के अकॉर्डिंग सैयद इब्राहिम रसखान। पहले तो उनका नाम क्या था? नहीं, रसखान, जिनको हम रसखान के नाम से जानते हैं, उनका पहले जो नाम था वो था सैयद, नहीं बेटा, सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, ठीक है। ये किसी दूसरी जाति एवं धर्म के व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने जब भगवान कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ा, तो उसके बाद ये इतना व्यक्तित्व से कि उनके प्रभावित हुए। किसके व्यक्तित्व से? भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि जैसे कृष्ण की कौन कौन उनके सखा में कौन कौन थे? एक तो ग्वाले थे और नहीं सखा थे, लेकिन उनके मित्रों में उनको कौन ज़्यादा पसंद करता था? गोपियाँ, है ना। तो गोपियों की जब उन्होंने श्रद्धा प्रेम देखा, तो उन्होंने कहा मैं क्यों नहीं इस ईश्वर से प्रेम करता। तो उन्होंने फारसी भाषा में लिखे हुए श्रीमद् भागवत। सबने पढ़ा है श्रीमद् भागवत को? सब क्या होती है ना पूजा, जब बैठती है ना रामायण बैठती है, श्रीमद् भागवत, सबने नाम सुना है कि श्रीमद् भागवत के? नहीं सुना? तो श्रीमद् भागवत को जब उन्होंने फारसी भाषा में पढ़ा, तो उसके बाद उनका प्रेम ईश्वर के साथ बन गया और उन्हें बहुत अच्छा लगा भगवान कृष्ण के बारे में जानकर। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू करा? भक्ति पद और कविताएं, ठीक है। तो इनकी दो जो बहुत प्रमुख लेख हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, वो है, सबसे पहला है प्रेम वाटिका। इनकी दो रचनाओं के नाम है, रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली तो है प्रेम वाटिका, सब लोग बोलिए प्रेम वाटिका, और दूसरी है सुजान रसखान, ठीक है। तो दो इनकी ये प्रमुख लेख है या भक्ति पद से जुड़े हुए दोहे या कविताएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आओ हम लोग इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना है कि भगवान कृष्ण कैसे हैं दिखने में? हाँ, एक खड़े होके बताओ। सांवले रंग के हैं। तो सांवला रंग कैसा होता है? काला। हाँ काला, लेकिन कैसा? नीला। श्यामल भी बोलते हैं ना, और श्यामल। अच्छा, भगवान कृष्ण के एक रूप है, कृष्ण का और भी नाम है मनोहर और मोहन। मनोहर, मोहन और गोपाल कान्हा, है ना। इनमें सबसे पहला नाम हमने पढ़ा मनोहर। मनोहर का अर्थ क्या होता है बताएगा कोई मुझे? खड़े होके बताओ रीमा। हाँ शाबाश, आराम से बताओ। मनमोहना या
मन, अच्छा इसको हम विच्छेद करते हैं, मन मोहन, मन मोहन, इसको संधि विच्छेद करिए बेटा। ये संधि है ना, दो शब्दों को जोड़कर जो मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि। दो शब्दों को, दो वर्ण को जोड़कर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि। अब इस संधि को हम संधि विच्छेद करेंगे। विच्छेद का मतलब अलग करना है ना, और संधि को अब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बताओ, मन धन मोहन, तो क्या बन गया, मन मोहन। मन मोहन मतलब मन को मोहने वाला, तो मन को मोहने वाला रूप था किनका, भगवान कृष्ण का। किसका था रूप बच्चों, भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण सभी को प्यारे थे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। ब्रज में यानी जहाँ भगवान कृष्ण रहते थे वहाँ पर सभी लोग भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे, चाहे वो उनका बाल रूप हो, चाहे वो उनका यौवन रूप हो, या उनका बड़ा प्रौढ़ रूप हो। ठीक है, सभी रूपों में उन्हें किसने किसने पसंद किया, गोपियों ने, और गोपियों के अलावा भी तो ग्वालों ने, और ब्रज में रहने वाले लोगों ने, और सर्वोपरि किसने, सबसे पहले किसने, जो उनके गुण गा रहे हैं, उनके भक्ति पद गा रहे हैं, उनके भक्तों ने। ठीक है, तो उन्हीं के भक्तों में से है रस खान, जिनके कुछ लिखे हुए पदों को आज हम पढ़ेंगे, कि भगवान कृष्ण की सुंदरता, उनकी अच्छाइयों का वर्णन करते हुए वो किस तरह उन्हीं में लिप्त होना चाहते, उन्हीं में डूब जाना चाहते हैं। किस में डूब जाना चाहते हैं रस खान, अपने अपने प्रभु की भक्ति में। प्रभु कौन है, भगवान कृष्ण। अर्थात हम लोग अब शुरू करेंगे रस खान जी द्वारा रचित भक्ति पदों को पढ़ना। ठीक है, तो कुछ पंक्तियों को मैं इस श्याम पट पे लिख रही हूँ, उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। सबको प्रस्तावना समझ में आई, कौन थे रस खान जी, भगवान कृष्ण के भक्त, और जिन्होंने क्या लिखा है, भक्ति पर। हाँ ठीक है, और ये बताइए इन्होंने किस भाषा में श्रीमद् भागवत पढ़ा था, पारसी भाषा में। ठीक है, तो सबको समझ में आया। अब यही पंक्तियां मैं श्याम पट पर लिख रही हूँ और उसके बाद हम सब इसका अध्ययन करेंगे। नहीं बेटा, कमरिया, हाँ कम्बल, सिद्धि, नमः। जब तक मैं ये बोर्ड पर लिख रही हूँ आप लोग सभी पीछे से शब्द अर्थ को देखो, ध्यान से अध्ययन करो उसका। ओ सुखनंद, तो शब्द बच्चों इन पंक्तियों को हम लोग पढ़ते हैं, या लकुटी अर कामरिया पर राज दियूं पुर को तजडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक होकल धौन के धाम करौल करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, तो यहाँ किसके द्वारा रचित है ये, जी रस खान, और इनका पहला नाम क्या था बेटा, सैयद, सैयद इब्राहिम। ठीक है, तो अब हम इनके द्वारा लिखे हुए इस इन पदों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो या लकुटी अर कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजडारो। सबसे पहले लकुटी किसको बोलते हैं, अरे वाह चलो बहुत बढ़िया है, पहले से ही मतलब शब्द अर्थ को आपने अच्छे से पढ़ लिया है।
तो अब मुझे भी दिक्कत नहीं होगी समझाने में और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो लकुटी शब्द का अर्थ होता है अच्छा, हमने भिक्षुक कविता में भी इस शब्द का प्रयोग किया था, तो क्या था पूरा? लकुटी आटे। पूरी लाइन बोलो, पूरी पंक्ति बोलो। चल रहा, हाँ बहुत बढ़िया, चल रहा लकुटिया टेक। कौन चल रहा था लकुटिया टेक? हाँ, वहां भिक्षुक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है भगवान कृष्ण के लिए। रसखान जी कह रहे हैं, या लकुटी और कामरिया, कामरिया कहते हैं कम्बल को, ठीक है। तो यहाँ एक और शब्द है कामरिया, लकुटी का अर्थ क्या है? लाठी। और कामरिया का अर्थ बताइए? कंबल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में रसखान जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का वो रूप जिसमें भगवान कृष्ण ने हाथों में लाठी पकड़ी है, डंडी पकड़ी है और कंबल ओढ़ा हुआ है, और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, काले रंग का उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ है, पर राजती हूँ पुर को, राजती हूँ, राजती हूँ से क्या अर्थ है? राज का मतलब, एक सेकेंड, तिहुपुर का क्या अर्थ है? त्रिलोक, ठीक है। तिहुपुर त्रैलोक भी बोलते हैं, तीन लोक यानी स्वर्ग, हाँ ठीक है। तिहुलोक नहीं बेटा, राजा नहीं, तिहुपुर का मतलब है तीन लोक। कौन कौन से तीन लोक? हाँ, और पाताल, ठीक है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। तो इन तीनों का क्या संबंध है पता है आपको? नहीं पता। ये तीन लोग जो है वो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण का वो रूप जिसमें भगवान कृष्ण ने लकुटी और कामरिया मतलब एक लाठी और कामरिया मतलब कंबल, पूरी कक्षा की आवाज आनी चाहिए मुझे, अंतिम, हाँ अंतिम सीट, पूनम क्या है ये बताइए, लकुटी का अर्थ क्या है? हाँ बताओ, रीमा बताओ, हाँ लाठी, और कामरिया का अर्थ क्या है? हाँ, तो भगवान कृष्ण का वो रूप जिसमें भगवान कृष्ण ने लाठी और कंबल लिया हुआ है काले रंग का, वो उसमें इतने सुंदर लग रहे हैं कि तिहुपुर मतलब तीन लोगों को भी तज डारो, मतलब मैं उनका उनको छोड़ सकता हूँ, तीनों लोग भी भगवान कृष्ण के तुलना में अच्छे नहीं हैं, जितने सुंदर भगवान कृष्ण किसमें लग रहे हैं? लाठी और कंबल में लग रहे हैं, काले रंग के कंबल में भी वो इतने सुंदर लग रहे हैं। आठहु सिद्धि नवो निधि, रिद्धि सिद्धि का नाम सुना है आपने? क्या होता है जब कोई व्यक्ति बहुत तपस्या करने के पश्चात बहुत अच्छे से अपने कुछ सिद्धियों को प्राप्त करता है? सिद्धि क्या? ज्ञान। हाँ बहुत बढ़िया मोनी, बहुत बढ़िया बोला, ज्ञान और कुछ ऐसी शक्तियों को प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसको अपने पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसे कहते हैं रिद्धि सिद्धि, ठीक है। चाहे वो ज्ञान के साथ हो, चाहे वो शिक्षा के साथ हो, ठीक है। तो उस तरह से उसने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने, तो वो बोल रहे हैं कि मैं रिद्धि सिद्धि, आठों सिद्धि नवो निधि, मतलब रिद्धि सिद्धि जो है उनको भी मैं खो दूं, मुझे अगर इनका साथ मिले, किसका साथ मिले? सुख नंद की गाय चराए बिसारो, अगर मुझे नंद कौन थे? भगवान कृष्ण के पिताजी। तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे नंद की गायें चराने को मिले तो मैं अपनी रिद्धि सिद्धि दोनों को भी खोने को तैयार हूँ, ठीक है। बिसारो मतलब भूलना, बिसारो का अर्थ क्या है बेटा? भूलना। तो यहाँ पर बिसारो शब्द है भूलना। चलिए मुझे दोनों लाइनों का फटाफट बताइए अर्थ। पहली लाइन का क्या है? हाँ बताओ, हाँ बताओ सुमन, बताओ सुमन, बताओ खड़े होके। पहली लाइन या लकुटी और कामरिया बताइए। कृष्ण भगवान लाठी और काले रंग के कंबल में इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं तीनों लोक भी उन पर क्या कर सकता हूँ? निछावर कर सकता हूँ, ठीक है, निछावर कर सकता हूँ। उसके पश्चात बताओ कौन बताएगा इधर से? बताओ, रितिका बताओगे? हाँ,
आठों सिद्धि नव निधि को बैठो सुमन, आठों सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। अगर मुझे भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो मैं रिद्धि सिद्धि भी अपनी बिसारो मैं भूल सकता हूँ। मतलब मुझे भगवान कृष्ण का जो ब्रज का जो दृश्य है वो मुझे इतना प्यारा है, भगवान कृष्ण मुझे इतने प्यारे हैं कि उनका कोई भी काम हो मैं बहुत मन से करूँगा और मैं उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। रसखान कबो इन अखियन सो, रसखान जी अब यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं। रसखान शब्द किसके लिए प्रयोग किया है उन्होंने? अपने लिए। कबो का अर्थ है कब। इन अखियन, अखियन क्या? आंखें। तो वो कह रहे हैं कि रसखान जी अपने लिए कह रहे हैं कि मेरी आंखों को कब मिलेगा, क्या मिलेगा? सो ब्रज के बन, ब्रज उस जो ब्रज है जहां पर भगवान कृष्ण रहते हैं उस ब्रज के बन, बन सबको पता है क्या होता है? क्या होता है ब्रज? बन क्या होता है? वन, हाँ जंगल। ठीक है, बाग, बगीचा, तड़ाग किसे कहते हैं? हाँ खड़े होके बताओ, कौन बताएगा? तड़ाग, तालाब। तो वो क्या कह रहे हैं बेटा इस लाइन में? वो ये कह रहे हैं कि मैं रसखान, मैं मेरी आंखियां तरस रही हैं। किस चीज के लिए तरस रही हैं? कि कब मैं ब्रज के बन, बाग और तालाबों को निहारो, मतलब देख सकूंगा। निहारो मतलब देख सकूंगा, निहारो निहारो मतलब देखना। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पर रसखान जी किसके लिए ये पंक्तियां बोल रहे हैं? हाँ, अब आखिरी अंतिम लाइन है इसकी, इस पद की। कोटिक हो कल धौन के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, क्या है इसका अर्थ? कोटिक पता है क्या होता है? धौन के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। धौल क्या बोला? धौल क्या बोल के ये क्या बोला शब्द? सोना। कल धौत के धाम, कल धौत, हाँ कल धौत के धाम से क्या अर्थ है? धाम का मतलब क्या होता है? धाम क्या होता है? धाम, आज कृष्ण धाम गए हम, धाम का मतलब भगवान कृष्ण, धाम का मतलब होता है जहाँ वो स्थान जहाँ पर वो रहते हैं, धाम। ठीक है, तो लेकिन कल धौन के धाम, कल धौत के धाम मतलब सोने का घर, धाम मतलब घर और कल धौत के धाम मतलब सोने का घर। तो वो ये कह रहे हैं कि कोटिक हो कल धौल के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। उनका कहने का अर्थ ये है कि उस ब्रज के करील के धाम, करील के कुंजन सुने, नहीं कुंजन क्या होता है? अच्छा ठीक है, तो इसको मैं गृह कार्य में दे रही हूँ कि ये शब्द आपको ढूंढ कर लाना है, करील की कुंजन। ठीक है, आप अपने बड़े भाई बहनों से और बाकी सबसे पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या है, ये अपने अपने पाठ्यपुस्तिका में नोट करना कि करील के कुंजन हम किसे कहते हैं। कोटिक होकल के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, मतलब कि यहाँ इस लाइन में मैं कुछ अर्थ को छोड़ रही हूँ जो आपको पूरा करना है, इसके साथ में करील के ऊपर कुंजन मारो। वो कह रहे हैं कि कोटिक होकल धौन के धाम, मतलब कुछ बताएगा कोई? वो कह रहे हैं कि ब्रज के जो ब्रज है, ब्रज कहाँ, ब्रज किसे कहते हैं? जहाँ पर भगवान कृष्ण रह रहे हैं। तो उनका कहने है का अर्थ है कि करील के कुंजों पर हजारों सोने के महल कुर्बान। जो करील के कुंजन है, ये शब्द का अर्थ आपको ढूंढना है, उसके ऊपर ऊपर वारो, वारो का अर्थ है निछावर करना। ठीक है, धौल के धाम का अर्थ क्या है? सोने का धाम। तो सोने के कई धाम किस पर वारे? करील के कुंजन पर। समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया?
ठीक है, अब हम लोग फटाफट इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि हम लोग इसके अर्थ को समझ सकें अच्छे से और इसको कर सकें। ठीक है, पढ़े, चलो कौन पहली लाइन का बताएगा? या लकुटी अर, चलो बताओ कीति बताओ। कौन बताएगा? कोटिक का अर्थ जो था वो था हजारों। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं ही इसको पढ़ती हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। या लकुटी अर कामरिया पर राजती हूँ पुरको तजडारो, मतलब भगवान कृष्ण काले रंग की लाठी, नहीं लाठी और काले रंग का कंबल लेकर जब भगवान कृष्ण कहा, भगवान कृष्ण का वो रूप मुझे इतना सुंदर लग रहा है, रस खान जी कह रहे हैं कि मैं उसके ऊपर तीनों लोक यानी तीन लोगों को, तीन लोक को भी मैं वार दूं या निछावर कर दूं और अपनी रिद्धि सिद्धि भी मैं भूल जाऊं अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिले। और रस खान जी तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि मेरी अखियां तरस रही हैं। किस लिए तरस रही हैं? ब्रज के बन बाग और तालाब देखने के लिए, और हजारों सोने के धाम में निछावर कर दूं किस पर? करील के कुंजन। तो करील के कुंजन सब लोग ढूंढ के लाओगे? ठीक है, तो ये शब्दों को आप लोग लिख लीजिए।